शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका खबर 7C न्यूज चैनल से। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। निचलौल तहसील में चला स्वच्छता अभियान। निचलौल नगर पंचायत में जगह जगह चौक चौराहे पर और ब्लॉक के परिसर में यह स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें रामहर्ष इंटर कॉलेज और अंगिरा शिशु ज्ञान मंदिर के छात्र एवं छात्राओं ने निचलौल नगर पंचायत के सफाई कर्मी इसमें हिस्सा लिए थे और उसमें सिसवा विधानसभा के विधायक प्रेम सागर पटेल और नगर पंचायत के चेयरमैन विश्वनाथ मदेसिया और जिला सह प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी नृपेंद्र विक्रम सिंह इत्यादि लोगों द्वारा जगह जगह झाड़ू लगाकर स्वच्छता का अभियान चलाया गया और आगे निचलौल के पुलिस की टीम की चलती रही। यह अभियान 5 सितम्बर 2 अक्टूबर तक। चेयरमैन कांग्रेसी और भाजपा की बात नहीं है, सरकार की बात है। इस नगर का विकास होना चाहिए या नगर की जनता इनको चुनी है, ये हमने नहीं चुना है। मतलब हमारा दायित्व हो गया कि नगर के विकास में जो हमारा रोल है, विधायक का रोल है, उसके इसके लिए हम इनके साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि इसका चौगुना विकास हो ताकि नगर की जो गरीब जनता है, महान जनता है, जो मलिन बस्तियों में रहती है, वो खुशहाल हो। उसमें पार्टी भेदभाव नहीं करेगी। ओडीओ का क्या मतलब है? अब संपूर्ण जो है स्वच्छता कार्यक्रम के तहत एक जो गांव में हम जो बाहर जाने की प्रथा है, इसको अगर हम समाप्त कर देते हैं, कोई भी व्यक्ति खलिहान में बाहर गांव के जाता है, घर में शौच रखते हुए नहीं जाता है। ओडीएफ मतलब ये है कि हम लोग इसको मुक्त करना चाहते हैं, खुले हुए शौचालय को मुक्त करना चाहते हैं। अपने घर में शौचालय बनाइए, अपने जमीन में बनाइए और वहां आप शौच करिए, यही इसका। ओडीएफ से गांव अथवा शहर पूर्णतया शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त हो जाते हैं, तो क्या निचलौल भी हो गया क्या? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ निचलौल नगर में स्कीम लाई गई है स्वच्छ का, जो स्वच्छता का स्वच्छ भारत की जो एक अंग है, ये निचलौल भी आता है, इसमें स्कीम लागू हो रही है। हम लोग जो है ODF स्कीम यहाँ करने जा रहे हैं, ये 2 अक्टूबर तक मेरे समझ से ये काफी काम हो जाएगा इसमें। और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में धन्ना सेठों को मिल रहा है आवास? नहीं, प्रधानमंत्री धन आवास योजना में जो चयन NGO के प्रतिनिधि द्वारा कर लिया गया था, उसका हम लोगों ने रोक लगवाई है कि जो पात्र है उन्हीं का बना, पात्रों का ना बना। जिन अपात्रों को मिल गया उनका क्या होगा? अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किनके वजह से हुआ है हम जांच करवा देंगे। दूडा अधिकारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमको शिकायत नहीं मिली है, जबकि चेयरमैन साहब शिकायत कर चुके हैं DM से और दूडा अधिकारी से। तो दूडा अधिकारी इस तरह कर रहे हैं तो कैसे मान लिया जाए कि रिकवरी हुई? मैंने कहा, मुझसे पूछे विधायक से आपकी बात हुई थी? नहीं, मैंने भी कहा है कि जो अपात्र है उनके धन को रोक दिया जाए और उसको चेंज करिए, और ताकि जो है उसका जो निर्णय अब से हो और नगर में उन लोगों का घर बने जो पात्र है, जो गरीब है, जो उसके मानक में आते हैं, वो बने, वही बनेगा। धैर्य रखिए, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 4-चक्का वाहन खरीदा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे से, लेकिन आप ही 2 टाइम झाड़ू लगवाते थे, अब 1 टाइम लगवाते, ऐसा क्यों है? नगर में दोनों टाइम झाड़ू जब लगता था तो सूखा सड़क था, बरसात के मौसम में झाड़ू लगाना संभव नहीं है। यह कार्यक्रम पुनः बरसात के बाद यह कार्यक्रम चालू रहेगा और 5 साल चालू रहेगा, न कि 1 दिन के लिए चालू रहेगा। बरसात में गीले सड़क हो जाते हैं क्योंकि उसको झाड़ू नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वायरल बीमारियों का कारण बरसात बनता है। ज्यादातर इस बरसात के मौसम में लोगों को रोग पकड़ता है इस तरह के वायरल और कूड़े से, तो उसके लिए कोई व्यवस्था है? बिल्कुल, नगर में दवा का छिड़काव हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है, चूना का प्रयोग हो रहा है नालियों में, अरुण बना है, और रोग के लिए कोई बाध्य नहीं है। सरकार ने व्यवस्था दी है और सरकार के व्यवस्था के तहत नगर पंचायत चल रही है, उस व्यवस्था से।